बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर जाति जनगणना के आंकड़े पेश किए गए हैं, सार्वजनिक किए गए हैं, और इसके बाद ही देश में एक अलग बहस शुरू हो गई है। 2024 से पहले कांग्रेस इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि कुछ वक्त पहले स्पेशल सेशन में भी नई संसद में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि केंद्र सरकार को पूरे देश की आबादी का एक जनगणना करनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। इसके बाद ये मुद्दा उठा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना करवाई थी इसी साल, उसे सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद अलग अलग राज्यों में मांगे होने लगी, शुरू होने लगी कि यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा मांग अब कर्नाटक में होने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता ने ये मांग कर दी है कि 2015 में, क्योंकि कर्नाटक में 2015 में जाति जनगणना कराई गई थी, सिद्धारमैया की ही सरकार में ये किया गया था, और इसके बाद ये रिपोर्ट पेश नहीं की गई अब तक। इसकी वजह क्या है, इसके सियासी मायने क्या है, और अब कांग्रेस ये मास्टर स्ट्रोक कैसे चलेगी, ये इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तारीफ करते हुए अपनी ही सरकार से जातिगत जनगणना के आंकड़े जल्द से जल्द जारी करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना काफी समय से पेंडिंग मांग है, जिससे अलग अलग समुदायों को वो अधिकार पाने में मदद मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी की ये लंबे समय से इच्छा रही है कि राज्य और देश दोनों जगहों पर जातिगत जनगणना हो और उसके आधार पर जनगणना कार्यक्रम बनाए जाए। इसे अमली जामा बनाने के लिए कंठ राज आयोग की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करना होगा। अब आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने इस पर क्या कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो बात सुनेंगे तो 2015 में ही कर्नाटक में जाति जनगणना कराई गई थी उनकी सरकार के वक्त में। तब उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग एक बनाया था और उसके हेड थे कंठराज, और उनको ये रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। उस वक्त करीब करीब 160 से 170 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस मिशन के लिए, और उसमें 45 दिनों में 1,60,000 लोगों ने 1,35,000 घरों को कवर किया था। कंठराज समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें दो बड़ी बातें सामने आई थी। ये कि जो ओबीसी है राज्य में, ओबीसी और दलित जो कैटेगरी है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और लिंगायत और वोकालिका की संख्या कम है। अब सिद्धारमैया ने कहा है कि जब ये रिपोर्ट पेश की गई थी तब तक उनकी सरकार हट गई थी, और उसके बाद कुमार स्वामी की सरकार बनी, और उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया और ये लटका रह गया। उसके बाद कंठराज भी इस आयोग से हट गए, वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया और ये ठंडे बस्ते पर चला गया। लेकिन सिद्धारमैया ने अब कहा है कि अब वो इस पर फैसला करेंगे अगर उनके पास रिपोर्ट आती है तो। वैसे कर्नाटक के मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जे जयप्रकाश हेगड़े ने मंगलवार को खुद बताया है कि ये रिपोर्ट अगले महीने तक सरकार को सौंपी जा सकती है। उन्होंने कहा एक तकनीकी दिक्कत थी, जो रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी वो बिना सदस्य सचिव के हस्ताक्षर की थी, अभी हमारे पास है, हम इसे आखिरी रूप दे रहे हैं, हम इसे सरकार को सौंपेंगे अगले महीने तक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि जब एक बार रिपोर्ट उन्हें मिल जाएगी तो सरकार इस पर फैसला करेगी। अभी के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े की नियुक्ति बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुई थी। उनके बारे में सीएम ने कहा कि अगर वे रिपोर्ट सौंपते हैं तब देखिए, मैंने एक बार उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था सौंप देंगे, लेकिन ये अभी तक हमारे पास आई नहीं है। साथ ही कांग्रेस नेता ने जो ये मांग उठाई है और इस पर सिद्धारमैया का जो स्टैंड सामने आया है, ये एक बड़ी कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का, क्योंकि अगर जाति जनगणना वहां पर जारी की जाती है तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस काफी वक्त से इसकी वकालत कर रहा है। अब एक और आपको बात बताते हैं कि इसके ना सक्सेसफुल होने के पीछे कई कारण हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार में ना हुआ हो, चाहे कुमार स्वामी की सरकार में ना हुआ हो, इसके पीछे कारण है। और इसका कारण ये है कि इसके पीछे सियासी जो पॉलिटिक्स है, जो जाति पॉलिटिक्स की जाती है, कास्ट पॉलिटिक्स की जाती है, उसमें बाधा आएगी, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कलिगा सबसे प्रभावी समुदाय माने जाते हैं और अक्सर चुनाव में इन्हें केंद्र में रखा जाता है। 2018 में करीब करीब 50 से ज्यादा, करीब करीब 58 विधायक लिंगायत समुदाय के थे। 2018 में लिंगायत समुदाय से ज्यादातर जो नेता होते हैं या तो लिंगायत समुदाय से होते हैं या तो वोक्कलिगा से होते हैं। जीके शिवकुमार वोक्कलिगा से आते हैं, वही लिंगायत से अगर देखें तो येदियुरप्पा जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे वो लिंगायत समुदाय से आते हैं। इस वक्त कर्नाटक में जो गृह मंत्री है परमेश्वर, जी परमेश्वर, वो भी लिंगायत समुदाय से आते हैं।
जो बुम्बई थे वो भी लिंगायत समुदाय से आते हैं, वही सिद्धारमैया ओबीसी समुदाय से आते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि अब कर्नाटक में अगर जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आती है, अब क्योंकि ये काफी वक्त पहले कराया गया था, इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, दोनों सदनों में इस पर चर्चा की जा सकती है, काफी लंबा प्रोसेस होने वाला है, लेकिन अगर ये होता है तो कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक ही होगा और आने वाले 2024 से पहले ये कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा कदम होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।